नमस्कार। कांग्रेस में कलह है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पाटियाला कमान ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया, और जिसके बाद देखिए ये माना जाने लगा कि भाई पार्टी ने कैप्टन को रास्ते से हटाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। पाकिस्तान से सटे राज्य पंजाब में पिछले कई महीनों से जारी इस सियासी उठापटक को देखकर अब कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पूरी तरह भड़क गए हैं। बात चाहे वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की हो या फिर कपिल सिब्बल की, हर नेता पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह से इस कदर नाराज हो गए हैं कि अब खुले आम पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाने लगे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बयान में ये कहा है, पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और इसे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला बुरी तरह से हैंडल किया गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आगे भी ये कहा, पंजाब की अस्थिरता से अगर किसी को खुशी है तो पाकिस्तान को है। उन्हें लगा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उन्हें एक बार फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देने का मौका मिलेगा। तो देखिए मनीष तिवारी ने अपने बयान में पाकिस्तान का जिक्र कर इशारों ही इशारों में ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ना चाहते हुए भी इस कलह की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने में लगी है। सिर्फ मनीष तिवारी ही नहीं, पार्टी के एक और नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने भी खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल ने भी पंजाब कांग्रेस में मची कलह पर कहा है, एक सीमावर्ती राज्य जहां कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इससे ISI और पाकिस्तान को फायदा है। कांग्रेस को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये एकजुट रहें। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता से चर्चा करें। तो कांग्रेस आला कमान पर सवाल उठा रहे कपिल सिब्बल ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम जी हजूर 23 वाले नहीं हैं। ये बात तो साफ है कि हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। तो कपिल सिब्बल उसी ग्रुप 23 के नेता हैं जिसमें शामिल 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को पिछले साल अगस्त में पत्र लिखकर पार्टी के भीतर शीर्ष से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव की बात कही थी, और आज उन्होंने ग्रुप में शामिल उन तमाम नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब कांग्रेस के कलह पर सवाल उठा दिए हैं और बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाई इससे पाकिस्तान और ISI को फायदा हो रहा है। अब पंजाब में जारी सियासी कलह को लेकर जब पार्टी के ही दो बड़े नेता पाटियाला कमान पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर विरोधी क्यों ना सवाल उठाएं। जी हां, ऐसे में बीजेपी की ओर से पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा मैदान में उतर गए और कांग्रेस को खूब उन्होंने धोया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिरता रहना, पंजाब की राजनीति में स्थिरता रहना ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विथ कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ टव्वल हुआ है, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं। यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा, ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं। खैर, मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, वो लोग इस विषय पे
अपने मन की बात को रख रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को रख रहे हैं, और सभी का एक राय है इसमें, एक मत है इसमें कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब में मची सियासी कलह के लिए सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इन सारे विषयों में जो विषय बहुत गंभीर है, जिस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, इन सारे विषयों में एक बात सामने आता है और वह है द फेलियर ऑफ राहुल गांधी, द कोलोसल फेलियर ऑफ राहुल गांधी। कोई साधारण नहीं, असाधारण असफलता राहुल गांधी जी का यह पंजाब के पूरे इस प्रयास से सामने आता है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंभ किया है, यह अपने आप में दुखद है, शोचनीय है और चिंताजनक है। पाकिस्तान से सटे पंजाब में देखिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार सियासी प्रयोग कर रही है, उसकी वजह से पार्टी बीजेपी के निशाने पर तो पहले से ही थी, और अब कांग्रेस के ही दिग्गज नेता यानी कि कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी भी सवाल उठाने लगे हैं, जो ये बता रहा है कि पंजाब जैसे सीमा से सटे राज्य में जारी सियासी कलह थामने में कांग्रेस नाकाम साबित हो रही है। पार्टी ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उसी वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे कि ये आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर इमरान खान और पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के वो उन्होंने गले लगाया था। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद कलह जारी है। ये कलह कब तक जारी रहेगी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, डेढ़ साल तकरीबन साल सवा साल से चल रही है, पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो दो युवा नेता की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल वो वजह है, अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही।